गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम संगीता गुप्ता है और मैं आपको कक्षा 9 में गृह विज्ञान विषय को पढ़ाऊंगी। और आज मेरा ये चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है गृह विज्ञान के क्षेत्र। आज मैं आपको बताऊंगी गृह विज्ञान किसे कहते हैं और गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगी। तो बच्चों, आओ देखते हैं गृह विज्ञान के क्या क्या क्षेत्र होते हैं और गृह विज्ञान किसे कहते हैं। तो ये जो है गृह विज्ञान, वैसे एक कला और विज्ञान दोनों होता है। क्या होता है? कला और विज्ञान दोनों होता है। क्यों? क्योंकि कला का मतलब होता है कि कोई चीज को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, एक अच्छे सुसज्जित तरीके से उसको प्रस्तुत करना। जैसे कला के अंतर्गत पाक कला यानी भोजन से संबंधित चीजें, आपको भोजन को परोसना, भोजन को बनाना, भोजन को जो है अच्छी तरीके से डेकोरेट करना, ये सारी चीजें जो होती है पाक कला के अंतर्गत आती है। और मातृकला का मतलब होता है कि माँ, जब माँ बनती है तो माँ के अंदर ये कला होनी चाहिए कि बच्चे की कैसे देखरेख करना है, बच्चे की कैसे सुरक्षा रखना है, बच्चे को क्या चीज की जरूरत है, किस अवस्था में क्या चीज की आवश्यकता है, ये सारी चीजों की जानकारी होती है। इसके साथ साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई की एक कला होती है, यानी गृह विज्ञान क्या है? कला है। दूसरी क्या है? गृह विज्ञान एक विज्ञान होता है। देखते हैं कैसे। देखिए, विज्ञान के अंतर्गत हम मानव शरीर, यानी मानव का जो शरीर होता है उसकी संरचना कैसी है, कैसे बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या क्या है डाइजेशन सिस्टम, क्या है, कैसे भोजन हमारे शरीर में पचता है, और किडनी कितने होते हैं, हृदय की क्या संरचना होती है, हृदय काम कैसे करता है, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो गृह विज्ञान होता है ये कला और विज्ञान दोनों होता है। क्या होता है बच्चों? ये गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों होता है, जिसमें घर से संबंधित चीजों को कलात्मक तरीके से व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाता है और बताया जाता है, और प्रैक्टिस यानी उसमें बच्चों को प्रैक्टिस के रूप में ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये हो गया गृह विज्ञान किसे कहते हैं। अब आते हैं बच्चों, गृह विज्ञान के क्या नाम है, गृह विज्ञान को पहले किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बच्चों, जो गृह विज्ञान होता है वो एक घरेलू विज्ञान के रूप में, घरेलू अर्थशास्त्र के रूप में और घरेलू प्रशासन के रूप में जाना जाता है। क्या क्या है कि पहले गृह विज्ञान का नाम क्या क्या था? घरेलू विज्ञान, घरेलू अर्थशास्त्र और घरेलू प्रशासन के नाम से इसे जाना जाता है। और जो क्या इसमें जो गृह विज्ञान होता है, गृह विज्ञान का जो जन्मदाता अमेरिका को माना, सबसे पहले जो गृह विज्ञान आया कहाँ पर, इसकी विषय कहाँ कहाँ पढ़ाया गया सबसे पहले, तो गृह विज्ञान को सबसे पहले अमेरिका में इसको पढ़ाया गया और अमेरिका को ही गृह विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। और अमेरिका में ही गृह विज्ञान को घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, जितना मैंने यहाँ पर लिखा है इतनी चीजें आपको आ गई तो आप एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन कुछ भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप आसानी से, चाहे वो एक नंबर में आए, चाहे आपके दो नंबर में आए, चाहे आपके विस्तृत क्वेश्चन आए, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। तो ये चीजें आप याद कर लीजिएगा कि गृह विज्ञान क्या है, कला और विज्ञान दोनों होता है। इसमें कला से संबंधित पाक कला, मातृकला, गृह कला और सिलाई कढ़ाई बुनाई चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान में मानव शरीर, मानव क्रिया विज्ञान यानी मानव की संरचना, मानव की बॉडी का क्या वर्क है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं गृह विज्ञान के क्या क्या क्षेत्र होते हैं। तो गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से पांच होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से पांच होते हैं। देखते हैं, इसमें पहला है आहार एवं पोषण विज्ञान। क्या है? गृह विज्ञान में आहार एवं पोषण विज्ञान है। क्या है? आहार एवं पोषण विज्ञान है। और दूसरा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। क्या है? वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। और तीसरा है गृह प्रबंध। क्या है बच्चों? गृह प्रबंध। और चौथा है बाल विकास। क्या बच्चों? बाल विकास।
और पांचवा है प्रसार शिक्षा। क्या है? प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान में मुख्य रूप से केवल पांच ही क्षेत्र होते हैं जिसके बारे में विस्तृत रूप में बच्चों को इसका अध्ययन कराया जाता है। जिससे गृह विज्ञान वो बच्चे पढ़ते जाते हैं वैसे उसे उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है। तो आपको ये एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। पहला क्या बच्चों? आहार एवं पोषण विज्ञान। दूसरा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। और तीसरा है गृह प्रबंध। और चौथा है बाल विकास। और पांचवा है प्रसार शिक्षा। तो ये मुख्य रूप से गृह विज्ञान के पांच क्षेत्र होते हैं। अब आते हैं बच्चों गृह विज्ञान में जो इतने पांच क्षेत्र होते हैं इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीजों को पढ़ते हैं, क्या क्या चीजों के बारे में हमें जानकारी दी जाती है, ये मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो देखते हैं बच्चों पहला क्या है? आहार एवं पोषण विज्ञान। क्या बच्चों? आहार एवं पोषण विज्ञान होता है। इसमें क्या है? इसमें भोजन, आहार का मतलब हम भोजन क्या लेते हैं, कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ कितने प्रकार से भोजन को पकाने की विधियां होती है, जैसे उबाल कर, तल कर, भून कर, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। और रोगी को कौन कौन से, अलग अलग जो रोगी होते हैं उनको अलग अलग कौन कौन से भोजन दिए जाते हैं, जैसे किडनी के मरीज के लिए अलग आहार होता है, शुगर के मरीज के लिए अलग आहार होता है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। अब आते हैं वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। जैसे आप देख ही रहे शब्द से पता चल रहा बच्चों, वस्त्र का मतलब कपड़ा, यानी कपड़े के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी जाती है। क्या है इसमें? कि वस्त्रों की देखरेख, यानी हम जो वस्त्र पहने किस उसमें मौसम में कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। और इसके साथ साथ वस्त्रों की कैसे देखरेख करनी है, यानी सूती कपड़ा है तो कैसे धुलाई करेंगे, ऊनी कपड़ा होगा तो किससे धुलाई करेंगे, ऊनी कपड़े को हमेशा हमेशा जो है लटकने के स्थान पर नहीं बल्कि समतल स्थान पर फैलाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो लिनन कपड़े होते हैं, रेशम के जो कपड़े होते हैं, इनको धूप में नहीं फैलाना चाहिए, धूप में फैलाने से वो कपड़े खराब हो जाते हैं, इसके बारे में बच्चों जानकारी दी जाती है। और इसमें सिलाई, यानी कपड़े कैसे सिलते हैं, जैसे बच्चों के फ्रॉक हुए, बच्चों के जो है जो बच्चों के फ्रॉक होते हैं, सूट हुआ, शलवार हुआ, पेटीकोट हुआ, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है, यानी इसमें सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे बच्चे उसको बना सके और कर सके। तीसरा है गृह प्रबंध। क्या है बच्चों? गृह प्रबंध। इसमें क्या है? इसमें गृह व्यवस्था, यानी घर को कैसे चलाया जाए, जैसे घर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमारे पास साधन है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और रसोई घर को कैसे रखना चाहिए, रसोई घर में कैसे सामान को बेसिक तरीके से रखते हैं, कहाँ पर खाना बनाया जाए, किस आकार में किचन का आकार होना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे यल शेप होता है, जैसे एक इस तरह का किचन होता है और एक इस तरह का किचन होता है, इसको बोलते हैं यल शेप और इसको बोलते हैं यू शेप। क्या बोलते हैं? यू शेप। जो यू शेप होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक तरफ खाना बनाते हैं, एक तरफ जो है बेसिन होती है जहां पर बर्तन को धुलते हैं, और एक तरफ भोजन परोसने का काम होता है, यानी एक के मतलब एक स्लिप पर ही तीनों काम एक साथ हो जाते हैं, जिससे ज्यादा चलना नहीं पड़ता है और ये अच्छा होता है। तो ये सबकी जानकारी वस्त्र विज्ञान इसमें गृह प्रबंध में दिया जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं बाल विकास। बाल मतलब बच्चे, विकास का मतलब उनका बड़े होना, वो ज्यादा धीरे धीरे उनकी वृद्धि होना, विकास होना, जिससे वो बढ़ सके और उनका मस्तिष्क का विकास हो सके, शरीर का विकास हो सके, वो होता है बाल विकास। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों की देखरेख की जाती है, यानी छोटा बच्चा है क्या क्या बोलता है, किस क्लास में क्या क्या बोलने लगता है, क्या क्या क्रियाएं करने लगता है, छोटा और कब बच्चा जो है अच्छी चीजों को खाना पसंद करता है, कब क्या खाता है, कब कितना खाना चाहिए, इन सब के बारे में बच्चों को मतलब बाल विकास में जानकारी दी जाती है। और नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा। क्या है? प्रसार शिक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन। और बाल विकास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। और तीसरा
इसमें हमने इसकी इंग्लिश नहीं बताई, एक बार देख लेते हैं। गृह प्रबंध, गृह प्रबंध की इंग्लिश होती है होम मैनेजमेंट। क्या होती है बच्चों? होम मैनेजमेंट। और दूसरा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। क्या होता है बच्चों? वस्त्र विज्ञान एवं परिधान इसको बोलते हैं क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल। क्या होती है? क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल। और नेक्स्ट पहला है हमारा आहार एवं पोषण, जिसे बोलते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। क्या होता है बच्चों? फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये पांच ब्रांचेज होती हैं। और जो लास्ट हमारा प्रौढ़ शिक्षा होती है, ये प्रौढ़ शिक्षा सॉरी ये जो प्रसार शिक्षा होता है, एक तरह प्रौढ़ शिक्षा होता है, जो किसी काम में लगे हुए जो व्यक्ति होते हैं, जैसे गांव में क्या होता है, गांव में सारे लोग काम करते हैं, तो इसमें इनको जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो उद्योग अपना चलाते हैं, जो खेती करते हैं, उनको उसके बारे में और जानकारी दी जाती है, जिससे वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सके, जिससे उनको ज्यादा इनकम हो, उनका ज्यादा उत्पादन बढ़े और उसको ज्यादा से ज्यादा उनको पैसे मिले। तो उनके बारे में उनको, जैसे कोई उद्योग चला रहे हैं उनमें ट्रेनिंग दे देते हैं, पशुपालन कर रहे हैं तो कौन सी नस्ल की अच्छी होती है जिससे दूध ज्यादा देती है, तो इस सब के बारे में उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे। और उद्योग प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, जैसे जो 21 के ऊपर हो जाते हैं, जिनको जो है पढ़े नहीं रहते हैं, उनको जो काम में वो लगे होते हैं उसी काम से संबंधित उनको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी प्रशिक्षण दिया जाता है उनको, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, जिससे उस काम को और अच्छे तरीके से कर सके। तो ये इसके गृह विज्ञान के पांच क्षेत्र होते हैं। और इस क्षेत्र से बच्चों जो महिला जो लड़कियां होती हैं उनको यदि पांचों ब्रांच में इनको जानकारी दी जाती है तो हर चीज में वो क्या होती है, गृहिणी सुकुशल होती है, यानी एक कुशल गृहिणी होती है। क्यों? क्योंकि इन पांचों क्षेत्र में उनको जानकारी देने से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचता है जिसके बारे में वो उनको ज्ञान ना हो। तो एक कुशल गृहिणी के रूप में गृह विज्ञान जो होता है एक ब्रॉड विषय है जिसमें संपूर्ण चीजों के बारे में लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। तो ये आपका है, ये आप आशा करती हूँ आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। और यदि आपके अगल बगल में आपको बुक मिल जाती हो, पुरानी बुक मिल जाती हो किसी प्रकाशन की मोस्टली रूप में, तो आपको इससे जरूर से हेल्प मिलेगी। और वहां भी यदि मेरे वीडियो आप देखे रहेंगे, इससे समझे रहेंगे, तो आपको वहां से आसानी होगी। और यदि आपको नोट्स नहीं बना पाते हो तो मैं जितना मैंने समझाया है इसी को आप इतना लिख लेंगे, इसी को आप केवल समझ लेंगे, तो आप इस चीजों को आसानी से समझ सकते हैं और खुद लिख सकते हो। तो ये आप फिर से रिपीट कर लेते हैं बच्चों, इसमें गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों होता है, जिसमें दोनों संबंधी जानकारी बच्चों को दी जाती है। और गृह विज्ञान को घरेलू विज्ञान, घरेलू अर्थशास्त्र और घरेलू प्रशासन के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी सबसे पहले कहाँ पढ़ाया गया, अमेरिका में पढ़ाया गया। और यहाँ पर गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अब गृह विज्ञान के पांच क्षेत्र है, हमारे साथ आप रिपीट करिए। पहला क्या है, आहार एवं पोषण विज्ञान। दूसरा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। तीसरा है गृह प्रबंध। और चौथा है बाल विकास। और पांचवा है प्रसार शिक्षा। ये इसके पांच ब्रांच है। तो आप याद कर लेंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो विस्तृत क्वेश्चन आपके आते हैं, 10 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आते हैं, वो भी आसानी से आप बच्चों हल कर सकते हो। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य ही लाइक करिए। और जो आपके फ्रेंड हो जिनको नहीं पता है, जो आपके अगल बगल हो, उनको भी ये वीडियो शेयर करेंगे, जिससे वो बच्चे जो घर बैठे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकें, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और घर बैठे ही सीख सकें और अपना नोट्स बना सकें। मेरी वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।